So hey guys, welcome back with my new another vlog and this is me and you watching Avi Patel vlog. And जैसा कि आप सबको पता है, पिछले कुछ बीते महीनों में मैंने जो भी vlogs upload करे अपने YouTube channel पर या जितने मैंने upload कर दिए हैं, approx day shift में मैंने बहुत अच्छे अच्छे vlog upload करे, even नवरात्रि से लेकर and all things जो जहाँ 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 कहीं भी मैं गया, हर जगह के मैंने vlogs upload करे हमारे YouTube channel पर. सो तो आप जाकर देख सकते हो. और अभी मेरा आज लास्ट शिफ्ट है मेरा शिफ्ट का, उसके बाद कल से मेरा डे शिफ्ट हो जाएगा. तो शायद चांसेस थोड़ी कम हो जाएंगे कि मैं ब्लॉग अपलोड कर पाऊँ. ब्लॉग अपलोड तो होंगे लेकिन जो कंसिस्टेंसी मुझे जो मिली थी डे के अंदर, जो नाइट शिफ्ट उतनी कंसिस्टेंसी शायद मैं इतना कवर अप नहीं कर पाऊँ मैं. बट कोई ना, मैं ट्राई करूँगा. और पिछले दो तीन महीनों में दो से तीन महीनों के अंदर मैंने ही शिफ्ट, मतलब मैंने अपनी मर्जी से चेंज किया था क्योंकि मुझे ब्लॉग्स अपलोड करने थे यूट्यूब चैनल पर. तो नाइट को मैं अपनी जॉब अप जो रहता है वो कर लेता हूँ और डे के अंदर मेरा अपना घूमना फिरना एंड ऑल थिंग्स जो भी मैंने किया सब कुछ आपके साथ में, सब कुछ चीज़ें शेयर करता ही हूँ मैं. तो आज ये लास्ट नाइट है. और पिछले बीते महीनों में मैंने क्या क्या ब्लॉग्स अपलोड करे हैं वो आप सबको पता है, तो आप जाकर देख सकते हो. अभी नाइट शिफ्ट में ऐसा रहता है ना कि नाइट शिफ्ट में क्या रहता है, क्या क्या काम रहता है नाइट शिफ्ट के अंदर. नाइट शिफ्ट में रहता है कि C7 बुलेट ट्रेन के अंदर, जैसा कि आप सबको पता है कि आई एम इन HR डिपार्टमेंट. और नाइट के अंदर HR का कुछ ज़्यादा कुछ, HR मींस ह्यूमन रिसोर्स, जो ह्यूमन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके, किसी को कुछ दिक्कत ना हो. कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर होती है दिक्कतें, एमरजेंसी भी होती है कई, कुछ बहुत बहुत से ऐसे प्रोग्राम रहते हैं जो. तो नाइट के अंदर HR मतलब मेरा कि क्या काम रहता है नाइट. वैसे तो कुछ तो नाइट के अंदर बुलेट ट्रेन के अंदर कंस्ट्रक्शन फील्ड एंड कई सारे फील्ड में अलग अलग प्लेसेस पर अलग अलग डिपार्टमेंट काम चलता रहता है. तो बस यही चीज़ें रहती है कि नाइट के अंदर दिक्कत किसी को ना हो, सारी फैसिलिटी मिल सके, बस हमको वही देखना होता है. ज़्यादा कुछ काम हॉस्पिटलिटी टाइप का, तो स्टाफ में किसी को कुछ दिक्कत ना आए, तो बस वही नाइट में. ऐसा कुछ काम रहता नहीं है, भागा दौड़ी का कुछ काम रहता नहीं है नाइट में. इवन सारे गार्ड चेकिंग करना कि सारे एक्यूरेट है कि नहीं, या जो भी एक्टिविटी हो रही है इलीगल समथिंग ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है साइड पर, वही सारी चीज़ें मतलब ध्यान रखनी होती है HR को. सो तो ये काम रहता है हमारा उसका. तो अभी कल से मेरा लास्ट शिफ्ट है, कल से मेरा शिफ्ट चेंज हो जाएगा गाइस. तो फिर मैं इतना कंसिस्टेंसी नहीं रख पाऊँ, लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि मैंने अभी दो हफ्तों से मैं कंसिस्टेंसी नहीं रह पाया, थोड़ा बिजी था, थोड़ा मूड ऑफ हो गया था. कुछ पर्सनल रीजन होते हैं ना इंसान के, तो मैंने कभी सारी चीज़ें पर्सनल चीज़ें कभी शेयर भी नहीं की आप सबके साथ में, और ना मैं कभी इन फ्यूचर कभी करूँगा भी. ओह शिट, मेरा कैमरा गिर गया. तो गाइस तो फिर तो मैं ज़्यादा कुछ शेयर करता भी नहीं हूँ अपनी पर्सनल चीज़ों को लेकर. मैं ज़्यादा कभी सोशल मीडिया पर शेयर भी नहीं किया, ना मैं कभी करता हूँ. एंड बहुत सी चीज़ें इंसान की पर्सनल लाइफ में होती है जो इंसान कभी शेयर नहीं कर पाता है. कई लोग कर देते हैं, बट मेरी वो आदत नहीं, सिंपैथी दिखाकर व्यू गेन करना, नथिंग लाइक दैट. आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ बॉय. सो मैं चाहता हूँ कि मैं लेट अपलोड करूँ लेकिन अच्छा कंटेंट दूँ अपने चैनल पर. सो तो अभी तक अब अगर आपने मेरे पिछले ब्लॉग्स नहीं देखे तो गाइज जाकर देखो एंड सपोर्ट दिखाओ चैनल पर. एंड कल से अपना डे शिफ्ट है, तो फिर कल से हम एक ट्राई करेंगे कि नाइट में कहीं घूमने जाने का एंड समथिंग ऐसा कुछ ट्राई मारूंगा मैं कि डे शिफ्ट होने के बाद क्या है कि ज़्यादा भी नाइट ड्यूटी करना ठीक नहीं है बॉडी के लिए, दैट्स वाई. तो फिर सोचा है मैंने कि ना अब शिफ्ट को चेंज किया जाए, और ज़रूरी भी था शिफ्ट को चेंज करना. शिफ्ट चेंज नहीं होती तो थोड़ा दिक्कत हुआ, बॉडी को थोड़ा अनबैलेंस हो जाता है, खाने का रूटीन ऑल थिंग्स सारी चीज़ें सब कुछ सेम सब कुछ साथ नहीं हो सकती है ना, इसलिए गाइस. सो तो अब से कल से नया शिफ्ट है. और नाइट में क्या रहता है ना कि यहाँ से ड्यूटी आने के बाद ब्रेकफास्ट करके फिर डायरेक्ट सोना होता है. 12 बजे आँख खुलती है, 12 बजे फिर तब भूख नहीं लगती है और आँख तो खुली जाती है, उससे नींद डिस्टर्ब सी हो जाती है. और नाइट शिफ्ट थोड़ा दिक्कत भरा है, नाइट में जॉब करना दिक्कत नहीं है, यहाँ से जाने के बाद जो रूम पे जो हालत होती है वो दिक्कत भरा है. सो तो गाइस अब चेंज हो चुकी है, अब हम ट्राई करेंगे डे में अच्छे अच्छे कंटेंट दे सके आप सबको. एंड मैंने मुझे नहीं पता, मैं जब फर्स्ट टाइम अहमदाबाद आया था, और स्टिल आज तक मुझे 2 साल हो चुके हैं अहमदाबाद के अंदर, 2 साल हो चुके हैं अहमदाबाद में, 2 साल. इन 2 सालों में मैंने क्या क्या किया, क्या क्या एक्टिविटी करी, क्या क्या मैंने मस्ती करी, क्या क्या मैंने इन्जॉयमेंट किया, सब कुछ मैंने अपने चैनल पर शेयर किया. इन 2 सालों के अंदर मैंने बहुत अच्छी मेमोरी एक बोल सकते कलेक्ट करके एक यूट्यूब मतलब मेरे चैनल पर आप सबके साथ में शेयर करी है.
सो तो इन 2 सालों में मेरे साथ क्या क्या हुआ एंड क्या क्या इन्जॉयमेंट किया सब कुछ मैंने सबके साथ में शेयर किया है। सो तो आई होप कि आप सब ने इन्जॉय भी किया होगा, आप सब ने देखा भी होगा, है ना। और अभी ये 3रा साल लगने जा रहा है मुझे कि मैंने क्या क्या मस्ती करी एंड ऑल थिंग, सब कुछ मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया है, एवरीथिंग। आप सबसे कुछ भी नहीं छुपाएगा इस कुछ भी। और इन दोस्त जब मैं आया फर्स्ट टाइम अहमदाबाद तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था, कितनी बड़ी सिटी है, मैं कैसे क्या होगा एंड ऑल थिंग्स, बहुत सारी टेंशन थी और अभी भी है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू पहले से काफ़ी कम है और पहले से मैं काफ़ी इंप्रूवमेंट हो चुका हूँ, माइंड थोड़ा मैच्योर टाइप का हो चुका है, समझदारी वाली बातें करता हूँ, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, अपने काम पर ध्यान देता हूँ, ऑलवेज मेरा फोकस ध्यान का। जो फर्स्ट अहमदाबाद में आया तो मुझे मेरे से 5-6 महीने मुझे मतलब अजीब सा ही लग रहा था कि क्या हो क्या रहा लाइफ में, ये मुझे क्या करने के लिए भेज दिया एंड ऑल थिंग्स। बट अब जब देखता हूँ पीछे मुड़ के तो मुझे लगता है कि टाइम बदलता है, टाइम अच्छी अच्छा टाइम आने के लिए हमेशा टाइम लेता है। तो डोंट बी, कभी पैनिक नहीं होना है लाइफ में और हंसते हंसते बुरे टाइम को भी गुजारना है, और बुरा टाइम ज़्यादा टाइम तक रहता भी नहीं है, सब कुछ ही गुजर जाता है। और इन 2 सालों में मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी, अप्स एंड डाउन फॉल आया, लेकिन सब मैंने कवर अप किया, हैंडल किया और अपने आप को स्ट्रांग बनाया है और स्टिल आज भी स्ट्रांग बना कर रखा है मैंने अपने आप को। सो तो ये चीज़ें होती है। और अभी बस आज मेरा लास्ट शिफ्ट था, आज बाहर चाय पीने के लिए आए थे क्योंकि मैं चाय पीता नहीं हूँ, लेकिन नाइट शिफ्ट करने के बाद थोड़ा चाय पीना ज़रूरी है। सो तो बस अब चाय पीने आए थे, अभी चाय पी के हम जाते हैं साइट पर, थोड़ा प्रोग्राम ऑलमोस्ट सारे फोटो अपडेट कर जो भी प्रोग्राम रहा है मिलता है नाइट में, सारे प्रोग्राम ख़त्म करके अपडेट कर सुबह 7:30-6 बजे हम रूम पर निकल जाते हैं। 6 बजे इन रेयर के संडे को जाना होता है, बाकी वैसे जाते नहीं हम 8 बजे से 7:30-8 बजे बस आ जाता है हमारा। सो तो जाते नहीं है, 8 बजे के बाद ही यहाँ से हम साइट से पंच आउट करते हैं, बाकी कभी ऐसा जाना होता है तो जा सकते हैं, ऐसा कोई रोक टोक नहीं है, बट जाके भी क्या करेंगे, नाइट ड्यूटी है तो ड्यूटी तो करना पड़ेगा, ऐसा कोई किसी का कोई रोक टोक नहीं है। और बहुत अच्छा लगा मुझे इन 2-3 महीनों में मैंने बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स अपलोड करे, का करिया अभी वाला जो व्लॉग है वो रिसेंट में अभी ये वीडियो एंड होने के बाद वो व्लॉग अपलोड कर दूंगा, तो आप गाइस जाकर देख लेना और चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। और तब तक के लिए बाय बाय बाय, मिलते हैं बहुत एक नई वीडियो के साथ, बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ में। सो कीप सब्सक्राइब। ओके गाइस, बाय, लव यू, गुड नाइट एंड डे शिफ्ट कल से।